नमस्कार, मैं राजेंद्र भल्ला फ्रॉम वन क्योर फॉर ऑल डिसीजेस। आज मैं एक अनयूजुअल टॉपिक डिस्कस करूँगा। उससे पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा डायबिटीज़ के कम से कम 100 पेशेंट्स से मैंने बात किया और ये पाया कि जो लोग 4-5 लीटर से ज़्यादा पानी पीते हैं, जितना ज़्यादा पानी और अदर फ्लूइड्स लेते हैं, फ्रूट्स भी उसमें इंक्लूड कर लीजिए और उसके अलावा दही हो गया, फ्रूट जूस हो गया, चाय हो गया, दूध हो गया, लस्सी हो गया, सब कुछ इंक्लूड कर लीजिए, तो जो लोग 5 लीटर से ज़्यादा पानी पीते हैं उनका जो ब्लड शुगर है वो मेडिसिन लेने के बावजूद भी काफ़ी हाई रहता है। आई फाउंड पीपल फास्टिंग शुगर 250 एंड अबव, जो कि चाय और पानी ज़्यादा पीते हैं। तो मैंने जितने भी मेरे कॉन्टेक्ट में लोग आए डायबिटीज़ का, अभी रिसेंट बात है लास्ट वीक की, एक 20 साल का लड़का है, उसने मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट किया कि उसका ब्लड शुगर लेवल्स हाई है और उसको बार बार किडनी स्टोन्स बन रहे हैं और डॉक्टर्स उसको 5-6 लीटर से ज़्यादा पानी पीने के लिए बोल रहे हैं, उसका टोटल फ्लूइड इज इनटेक इज मोर। अब उसको किडनी स्टोन्स भी बार बार बन रहे हैं और उसको ब्लड शुगर भी फास्टिंग इज समथिंग लाइक 140 एंड अबव, 140 से नीचे नहीं आता था और रेंडम या पीपी जो है दैट वॉज 220 और इन दैट रेंज। तो जैसा वन क्योर फॉर ऑल डिसीजेज के अंदर एक रूटीन है पानी पीने का कि पानी का इनटेक को कम करना है, तो थर्ड डे और मे बी फोर्थ डे उसका जो ब्लड शुगर लेवल था वो 110 आ गया फास्टिंग और दूसरा आ गया करीब 160 के आसपास। नहीं ओके, सो दिस वॉज द फीडबैक। अब इसके अलावा मेरे से जो भी लोग कॉन्टेक्ट करते हैं किसी भी समस्या के लिए, तो हमारा रूटीन सेम है, इट इज़ वन क्योर फॉर ऑल डिसीजेस। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें शेयर करूँगा। अभी करीब 15 दिन पहले मुझे एक कॉल आया बांग्लादेश से। देयर वॉज अ यंग लेडी, आई थिंक एज वॉज अबाउट 25 ओनली। शी हैड अ प्रॉब्लम ऑफ ड्राइनेस इन वेजेना एंड बिसाइज दैट थायराइड एंड सो मेनी अदर हेल्थ इशूज। सो आई सजेस्ट द सेम प्रोटोकॉल टू बी फॉलोड कि पानी का इंटेक कम कर लें, जो कि वन क्योर फॉर ऑल डिसीजेज में मैंने अपना लिंक में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा लिंक्स। तो करीब 7 दिन बाद फोन आया वेजीना ड्राइनेस डिसअपियर्ड। नाउ देर इज नॉट इवन ए सिंगल पर्सन ऑन द अर्थ हु इज सजेस्टिंग दैट थर्स्ट इज कॉज्ड ड्यू टू ड्रिंकिंग एक्सेस वाटर। नाउ द वेरी पर्पस, I made a group of scientists on LinkedIn मैं इस ग्रुप का लिंक भी शेयर कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। तो इस ग्रुप में कम से कम नहीं तो 25-30 साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं जो हेल्थ के ऊपर डिफरेंट एंगल से रिसर्च करते हैं। दे आर बीइंग मेड पार्ट ऑफ अ बिग नेटवर्क ऑफ रिसर्चर्स। सो द वेरी पर्पज इज कि इस चीज़ को हर आदमी, ये तो हर घर घर में प्रॉब्लम है, तो हर आदमी अपने आप से पर्सनली देखे, क्योंकि 3-4 दिन पानी का इंटेक कम करना या 7-8 दिन पानी का इंटेक करना कोई बहुत सीरियस बात नहीं है, और सब के सब लोग रिजल्ट देखें। अब इसका वजह से ये तो यंग लोगों में होती है जो अदरवाइज हेल्दी हैं और ये आसानी से कर सकते हैं,
तो ये जो लोग हैं जब इनका फीडबैक आएगा द सेम फीडबैक विल बी एप्लीकेबल फॉर डायबिटीज, हार्ट डिसीज, स्ट्रोक एंड सो मेनी अदर थिंग्स. आज के डेट में जो एक मिसकंसेप्शन है कि पानी का इंटेक ज़्यादा करने से बहुत सी समस्याएं ठीक हो जाती हैं, जैसे अब इसी पॉइंट के ऊपर ही मैं एक और चीज़ बताऊँगा. जिसको वेजिना ड्राइनेस का प्रॉब्लम होता है उसको यूटीआई का प्रॉब्लम भी होता है और ज़्यादा होता है. उसके लिए एंटीबायोटिक दिए जाते हैं और उस एंटीबायोटिक की वजह से दिस लीड्स टू यूटीआई. और यूटीआई के लिए जो एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं उससे स्टमक का जो गट फ्लोरा होता है वो डैमेज हो जाता है और उसकी वजह से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इनडाइजेशन पैदा हो जाता है और इनडाइजेशन के चलते हुए एसिडिटी होती है और एसिडिटी के चलते हुए हमें डायबिटीज़ और पीपी और हार्ट डिसीज़ होती है. सो फॉलोइंग अ सिंपल सजेशन ओवर हियर, जिसको भी ये प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं कि दुनिया की आधी बीमारियों को ख़त्म कर देता है. अगर ये जो स्टडी है यहाँ पर जो फीडबैक है हमें 10,000 लोगों का मिल जाए, दुनिया में ऐसी कोई भी स्टडी नहीं है, ये फर्स्ट हैंड ओपन पब्लिक स्टडी है जो कि फार्मा इंडस्ट्रीज़ और जो ये कार्टल है ये अलाउ ही नहीं करते. दिस इज प्योरली ओपन स्टडी जिसके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं है और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं दे आर हाईली क्वालिफाइड एंड रेपुटेड पीपल. तो देखते हैं क्या होता है इस स्टडी का. बाकी आप इस ग्रुप के अंदर जो बाकी का पोस्ट दिया हुआ है लिंक्डइन में, आप उसको पढ़िए और सिस्टमेटिकली उसमें बताया जाता है कि वन क्योर फॉर ऑल डिसीज में आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं और किस तरीके से आप अपनी ये सारी हेल्थ की प्रॉब्लम्स को 2-4 दिन के अंदर ख़त्म कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल टू गेट फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन. इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन, मतलब इसमें कोई भी वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है किसी का और होपफुली ये आपको एक नया हेल्दी बनाएगा. थैंक यू.